नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के बारे में, सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 20th मतलब 20वें एपिसोड के सवालों को लिया था। कुछ सवाल रह गए थे जिन्हें आज के इस वीडियो में लिया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से या फिर सवाल जवाब की सीरीज के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर से दिया जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल आपका ना हो, पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल्स ना हो, बल्कि ऐसा यदि कोई क्वेश्चन बनता है जो कि सार्वजनिक हो, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आए, उसका जवाब, उस प्रश्न का, उस सवाल का जवाब इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक जो हैं उन्हें पसंद आए, तो यदि ऐसा सवाल है तो उसका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के जो सवाल है वो ले लेते हैं। आज का पहला सवाल है चेतन पाठक जी, ये मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे सरल बुक बताइए उपाय के लिए, एंड थैंक यू। चेतन जी, आप में से कई दर्शक जो हैं वो मुझसे बुक के बारे में बात करते हैं, चाहे उपाय की हो, चाहे ज्योतिष की हो, और भी अलग अलग अध्यात्म के विषयों की। मैं आपको लिटरली बताऊं, टू बी अ वेरी फ्रैंक, यदि उपायों की बात की जाए तो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने खुद ने कोई बुक नहीं पढ़ी उपायों को लेकर के। मैंने अपने सीनियर से सीखा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिकली सीखा है। प्रैक्टिकली नॉलेज जो है, मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा मैं तवज्जो देता हूँ, ज़्यादा महत्व देता हूँ। यदि मैंने आपसे कुछ कहा कि ऐसा कीजिए और आपने आकर के मुझे कहा कि बहुत अच्छे परिणाम मिले, फिर मैंने किसी और को कहा, ऐसे हर कोई यदि मुझे कहता है कि बहुत अच्छे परिणाम मिले, तो उस उपाय को मैं यहाँ पर सही मान लेता हूँ, पत्थर की लकीर मान लेता हूँ। लेकिन यदि मैंने कुछ आपसे कहा और आपको अच्छे परिणाम नहीं मिले, तो ऑब्वियसली वो उपाय किसी काम का नहीं, चाहे वो किसी भी पुस्तक में लिखा हो, किसी भी बड़ी पुस्तक में लिखा हो। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगा कि उपायों को लेकर के मैं बुक तो आपको सजेस्ट यहाँ पर नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, बहुत ही आसान उपाय मैंने आपको बताए हैं जो कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में, चैनल की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जो उपायों की ही सीरीज है, उसमें आप जाइए, सारे ग्रहों को लेकर के आपको उसमें उपाय मिल जाएंगे। इनके बाद पूजा जी, पूजा जैन जी मुझसे सवाल करती हैं कि गौरव जी नमस्कार। नमस्कार पूजा जी, अपने बच्चे का नाम किस राशि के अनुसार रखना चाहिए, लग्न राशि या चंद्र राशि या योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट से रखना चाहिए, कृपया करके सुझाव दीजिए। डेली पुकारने वाले नाम की ये बात कर रही है। पूजा जी, ज्योतिष की मानूँ और ज्योतिष जिसके बारे में मैं आपको इतना पाठ पढ़ाता हूँ, उस ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो नाम में कुछ नहीं रखा है। आप यदि अपनी कुंडली मुझे देती हैं और उसमें आपका नाम पूजा जैन है, यदि आप मुझे कहती हैं मेरा नाम मालती है, यदि आप मुझे कहती हैं मेरा नाम रेखा है, तो भी आपकी जो कुंडली होगी वो वही बयां करेगी जो आपका, मतलब जो आपका फ्यूचर है या जो आपका पास्ट है या जो आपका प्रेजेंस है। आपके नाम बदल लेने से आपका फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंस नहीं बदल जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कोई सा भी अच्छा सा नाम आप रख सकती हैं, इसका कोई बहुत बड़ा यहाँ पर चीज़ परिणाम नहीं निकल के आएगा। मैं खुद की बात आपको कहता हूँ, मेरी चंद्र राशि है कर्क, लेकिन मेरा नाम है गौरव। अब बताइए, गौरव जो है ये लग्न राशि से भी नहीं यहाँ पर डिसाइड होगा, क्योंकि मेरा जो लग्न राशि है वो है तुला, तो गौरव तो बिल्कुल भिन्न है इन दोनों राशियों से। तो नाम में कुछ नहीं रखा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कोई सा भी अच्छा सा नाम आप रख सकती हैं। मोहिता जी, मोहिता जी मुझे सवाल करती है कि सर डिविजनल चार्ट्स में विपरीत राज्यों का निर्माण होता है क्या? तो हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वो डिविजनल चार्ट्स के लिए हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि यदि आपके D10 चार्ट ने दशमांश कुंडली में यदि विपरीत राज्योग बन रहा है, तो आपके काम काज को लेकर के उस पर्टिकुलर ग्रह की जो दशा है या अंतरदशा है वो आपको एक अच्छा फल दे सकती है। लेकिन आप कहें कि मुझे इस दशा या अंतरदशा के फल अपने फैमिली लाइफ में भी मिलना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी मिलना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो कहने का मतलब, जो भी जिस जो डिविजनल चार्ट होता है, जिस स्पेशल डिविज़न को रिप्रेजेंट करता है, उसी डिविज़न से रिलेटेड उस ग्रह की महादशा में या अंतरदशा में भी जो ग्रह इस तरह के राज्यों का निर्माण कर रहा है, फल मिलता है, लेकिन सिर्फ उस डिवीजन से रिलेटेड। मोहिता जी के बाद अनिर्बन जी मुझसे सवाल करते हैं कि नीलम रत्न को कौन सी धातु के साथ पहनना ठीक होगा?
सिल्वर के साथ या फाइव मेटल्स के साथ? ठीक है अनिर्बन जी, मैं सिल्वर के साथ पहनने की से ज़्यादा सलाह देता हूँ, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिए कि चंद्र बहुत ही ज़्यादा दूषित है यदि आपकी कुंडली में, और फिर यदि कहीं गुरु आपकी कुंडली में ठीक ठाक बैठे होते हैं, बहुत अच्छे भी यदि नहीं बैठे हैं, ठीक ठाक भी बैठे हैं, तो फिर आपको सोने में से पहन लेना चाहिए। लेकिन पहली सलाह है चंद्र की, यदि चंद्र आपकी कुंडली में कहीं अच्छे बैठे हुए हैं तो। अनिर्बन जी के बाद वोना पटेल जी मुझसे सवाल करते हैं, नमस्ते सर, यू मेक एस्ट्रोलॉजी सो सिंपल एंड लॉजिकल। थैंक यू वेरी मच वोना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड हेल्पिंग पीपल। जी वेलकम। व्हेन डज डीफो चार्ट गेट एक्टिवेटेड? इज देयर एनी एज और सर्टेन रूल्स व्हेन डिविजनल चार्ट स्टार्ट शोइंग विजिबल रिजल्ट इन अ नेटल्स लाइफ? If Rashi chart and Hora chart shows good placement, but D4 chart has three debilitated planets, does it mean at certain age one may suffer financial loss? वोना जी ओवरऑल मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी डिविजनल चार्ट्स होते हैं या सूक्ष्म कुंडलियां जिसे मैं कहता हूँ वो होते हैं, उनकी एक्टिवेट होने की कोई उम्र होती है क्या कि आप इस उम्र में आएंगे, इस एज में आएंगे तब वो चार्ट एक्टिवेट यहाँ पर हो जाएगा? तो वोना जी ऑब्वियसली ऐसा है, देखिए नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली जो है मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाती है, तो ये कुंडली तभी एक्टिवेट होगी जब आपके वैवाहिक जीवन की बात होगी। सप्तमांश कुंडली की बात करें संतान को दर्शाती है, तभी एक्टिवेट हो पाएगी ना जब आपकी संतान होगी। D10 चार्ट आपके कर्म, आपके रोजगार, आपके नौकरी को दर्शाती है, तभी एक्टिवेट होगी जब आप नौकरी कर्म रोजगार करने के लायक हो जाएंगे या करेंगे। तो ऑब्वियसली जो भी डिविजन होता है वो उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप वो कार्य करने के लायक हो जाते हैं। भाई संतान का कुंडली शादी के पहले नहीं एक्टिवेट होगा, बाद में ही एक्टिवेट होगा संतान सप्तमांश कुंडली। तो इसी तरह से कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, देश काल परिस्थिति के अनुसार एज तो चेंज होती रहती है। जैसे पहले बाल विवाह हो जाया करते थे लेकिन आजकल बाल विवाह नहीं होते हैं, तो हमारे प्रेडिक्शंस में भी बहुत फर्क आता है। तो उसी तरह से जो उम्र होती है उस उम्र के अनुसार वो जो पर्टिकुलर कुंडली होती है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। अब आपने कहा कि फ्राशी चार्ट एंड होरा चार्ट शोज गुड प्लेसमेंट बट D4 चार्ट हैज थ्री डेबिलिटेड प्लैनेट, मतलब कि चंद्र राशि की जो कुंडली है या होरा की जो कुंडली है वो आपको अच्छा बता रही है, लेकिन D4 जो है उसमें तीन डेबिलिटेड प्लैनेट है, तो इसका क्या मतलब है कि किसी एज में व्यक्ति जो है वो फाइनेंशियल लॉस को फील करेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, D4 चार्ट जो है आपके सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है, आपके भौतिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है, ज़रूरी नहीं कि फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करे। फाइनेंस के लिए होरा को यहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है, धन के लिए होरा को देखा जाता है। अब सुख सुविधाएं जिसके पास है ज़रूरी नहीं कि उसके पास, मेरा कहने का मतलब है जिसके पास ज़्यादा पैसा है ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा सुख सुविधाओं को भी भोग सकता है। हो सकता है उसके पास इतना पैसा हो कि लग्जरी लाइफ तो उसके पास हो, एसी तो हो, उसके पास अच्छे मोटे मोटे गद्दे तो हो सोने के लिए, लेकिन वो सो ना पाए सही से, वो एसी में रह ना पाए सही से, उसके पास BMW तो हो लेकिन कोई उसको अंदर बैठे तो उसको कोई फीलिंग ना हो, बस चिंताएं दूर की वो करता रहे, तो ये भी तो एक तरह का सुख ना भोगने की स्थिति है। तो पैसा तो है लेकिन सुख नहीं भोग पा रहा है, तो यही D4 चार्ट भी यहाँ पर शो करता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो जो डेबिलेटेड प्लैनेट है। हालांकि और चीज़ें देखना पड़ेगी, लग्न कुंडली का चतुर्थ भाव भी देखना पड़ेगा, चतुर्थेश भी देखना पड़ेगा, लग्नेश भी देखना पड़ेगा, लेकिन एक सामान्य प्रेडिक्शन या सामान्य जो चीज़ निकल के आती है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। सुनील जी कहते हैं नमस्कार डॉक्टर गौरव। नमस्कार सुनील जी, बहुत ही सेटिस्फाइड आंसर दिया आपने, थैंक यू वेरी मच सुनील जी। माई क्वेश्चन इज, पॉलिटिक्स में जाने के लिए कन्या लग्न में कौन से ग्रहों का विचार किया जाता है? सुनील जी, पॉलिटिक्स में जाने के लिए चाहे कोई सा भी लग्न हो, राहु का, सूर्य का, मंगल का, इन तीनों का विचार तो करना ही करना है। इसके बाद में फिर जो लग्न कुंडली है उसके अति योगकारक ग्रहों जैसे लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, भाई भाग्य आपका कितना साथ देगा इसे भी तो देखना है, और नवमेश से ही तो भाग्य देखा जाएगा, प्लस दशा,
दशा कौन सी चल रही है, चाहे आपके ये सब अच्छे अच्छे बैठे हुए, राहु की स्थिति अच्छी है, नवमेश पंचमेश लग्नेश की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, लेकिन दशा ऐसी चल पड़ी जो कि एक नीच ग्रह की दशा हो गई, अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा हो गई, तो वो थोड़े ना बनने देगा, वो थोड़े ना बहुत आगे जाने देगा। तो दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ओवरऑल किसी भी लग्न की कुंडली हो, इन चीजों को जो मैंने यहां पर बताई देखना चाहिए। इसके बाद में निशा जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर, अगर किसी व्यक्ति का महादशा अच्छे ग्रह का हो, जैसे शनि, और अंतरदशा राहु का हो, जो कि खराब बैठे हैं, राहु खराब है शनि अच्छे हैं, ये ऐसा कहना चाह रही है, और शनि की महादशा है और राहु की अंतरदशा है, 0 डिग्री में भी है राहु, तो उसका ये पीरियड कैसा रहेगा, प्लीज बताएं। निशा जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यदि किसी ग्रह की महादशा अच्छी चल रही है, वो कहीं अच्छे बैठे हुए हैं, कोई ग्रह बहुत अच्छे आपकी कुंडली के हैं, तो वो ओवरऑल अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। लेकिन अंतर दशाओं की यदि बात करें तो ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे आपने शनि और राहु की यहाँ पर बात की, अब राहु जो है 0 डिग्री है, तो कोई खराब फल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि गुरु भी कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, शुक्र भी कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, किसी कुंडली में जैसे कर्क लग्न की कुंडली मान लीजिए, यहाँ पर दोनों ही अति योगकारक ग्रह हो जाते हैं, कहीं अच्छी जगह पर बैठे हैं, लेकिन शुक्र की दशा चल रही है और उसमें गुरु की दशा आ गई, तो वो परेशान कर जाएगी, या गुरु की दशा चल रही है उसमें शुक्र की दशा आ गई, वो परेशान कर जाएगी। इसी तरह से शनि चंद्र, चंद्र शनि, इसी तरह से राहु भी जो है, उनका भी प्लेसमेंट कहीं खराब है, तो वो भी दिक्कत पैदा यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो 0 डिग्री आपने कहा उसमें दिक्कत पैदा नहीं होती। तो ये एक एनालिसिस का विषय है, ये एक एक्सपीरियंस लेने का विषय है कि कौन से ग्रह की महादशा में, कौन से ग्रह की अंतरदशा किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर दे सकती है। लेकिन फिर भी कहूंगा, चूंकि यदि शनिदेव अच्छे हैं, तो एंड ऑफ द दशा आप ये कहेंगी कि मेरा जो शनि का महादशा गया उसने मुझे उपलब्धि दी। अब देखिए, यदि कोई दशा 20 साल की, 18 साल की है, 8 साल की, 10 साल की है, तो ऑब्वियसली इतने जो साल होते हैं वो सर्टेन बहुत अच्छे नहीं जाते, कहीं ना कहीं तो दिक्कत हो ही सकती है, या सर्टेन बहुत खराब भी नहीं जाते, कहीं ना कहीं अच्छा भी हो जाता है। तो ये जो अच्छा या खराब होता है, ये अंतर दशाओं के आने की वजह से या कभी कभी गोचरों की वजह से भी हो जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे यदि अच्छी दशा चल रही है, तो एंड ऑफ द दशा आप कहते हैं मेरी ये दशा बहुत अच्छी थी। यदि कोई खराब दशा है, तो एंड ऑफ द दशा आप कहते हैं ये मेरी दशा बहुत खराब थी। तो इस तरह से आपको यहां पर देखना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर मैंने कुछ सवाल लिए, उन सवालों के जवाब दिए, जो सवाल रह गए उनके जवाब आने वाले एपिसोड्स में दिए जाएंगे, हम आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद।